हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मावे से भरी आ रही बस को किया सीज। त्योहारी सीजन के चलते मिठाइयों में काम आने वाली मावे का आवागमन इन दिनों शहर में वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है। हल्के स्तर के इन मावों का उपयोग कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक निजी बस में मावे की सप्लाई आ रही है, तो वहीं थाना अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर दिलीप सिंह यादव को सूचित कर बीकानेर से पाली आ रही बस को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 200 से अधिक मावे के डब्बे मिले, जिसे देख पुलिस ने बस सहित उन मावे के डब्बों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही फूड इंस्पेक्टर के द्वारा इन सभी मावों के डिब्बों की सैंपलिंग ली गई। इनमें मीठे फीके मावे और रसगुल्ले के डिब्बे भी थे, तो 35 डब्बे ऐसे थे जिसमें फफूंद आ चुकी थी, जहां देर साय तक कार्य करते हुए इन खराब डिब्बों को खड़ा खोद जमीन में दफनाया गया। बस को भी जब्त किया गया। इन मावों के डिब्बों की अलग अलग स्थानों पर सप्लाई होनी थी, जहां इन डिब्बों पर पार्टियों के नाम पते भी लिखे गए थे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।